औरंगाबाद से सुनीता यादव का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो प्लेबैक इंडिया द्वारा प्रस्तुत काव्य तरंग प्रोग्राम की ओपन माइक एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है नदी। प्यारे दोस्तों, नदी विषय आते ही टेढ़ी मेढ़ी होकर मेरे अंदर नदी खुद बहने लगी, पर्वतमालाएं लांघने लगी, स्मृति पटल पर उछलने लगी, अतीत की स्मृतियां संजोने लगी। जिसे मैंने देखा, सुना, महसूस किया, वही किस्से, वही कहानी आपके साथ मैं साझा करने जा रही हूँ। याद है मुझे, किनारे बैठती, लहरें गिनती, मछली पकड़ती, पत्थर फेंकती, शरद सांझ को मृदु मलय को एहसास करती। देखा है श्रावणी संध्या में उसका ये अजगरी रूप, वो किसी कत्थई नीली मोहिनी नारी सी थी। फागुन में धोया था मैंने अपने शरीर का रंग, कार्तिक में बहाया था दीप और नाव, कागज भर जाते थे उसके चित्र से, रंग धुल जाते थे तुलिका से। रेत का सिंहासन, घर, महल, आज भी मन है बेसब्र चंचल। स्मृति की सीपी को ढूंढती हुई पहुंच गई, आपके सामने अतीत सुनाने आ गई। प्यारे दोस्तों, भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर धौलगिरी पहाड़ है, जो कि दया नदी के किनारे स्थित है। हम अक्सर वहां जाते थे। उससे जुड़ी अनुभूति मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ। दया नदी और मालगुनी नदी दोनों जा मिलती चिलिका झील में, जाते जाते हुल्लड़ मचाती, अटखेलियां करती धौली की गोद में। तब माने सुनाया था कलिंग और मगध के बीच युद्ध की दास्तान, दया के किनारे ही हुआ था चंडाशोक का धर्माशोक में परिवर्तन। दी थी गौतम बुद्ध की सीख, दया ही धर्म है, गुस्सा भले ही स्वाभाविक हो, नियंत्रण ही अपना कर्म है। उस नदी को छुआ मैंने, मन का कलंक धोया मैंने। किसी ने पेंसिल आधी कर दी थी, किसी ने बैग का बटन उखाड़ा था, किसी ने इमली खाने पर शिकायत कर दी थी, और कैंची से किसी ने बाल भी काटा था। सबके प्रति मन के आक्रोश को वही बहा आ गई, व्याकुल सी मैं आकुल सी नदी में पैर धोके आ गई। तो दोस्तों, एक बार मेरा ताऊजी के साथ कटक जाना हुआ। भुवनेश्वर और कटक के बीच पुल के नीचे कठजोड़ी नदी बहती है। कठजोड़ी नदी किनारे मेरी पायल खो गई थी, ऐसे ही समझिए कि पैरों से आजाद हो गई थी। जी भर बहुत रोया था, तब ताऊजी ने मुझे समझाया था। सन 1921 मार्च 23 यही किनारा, गांधी जी के आगमन से उत्सुक थी नदी की धारा। दिए गए थे असहयोग नीति, बच्चे वो महिला योगदान संबंधी भाषण। याद रखेगा इतिहास सरला देवी का नेतृत्व, वो असंख्य महिलाओं का योगदान। गांधी जी के आह्वान से महिलाओं ने किया था अलंकार दान, खुद को आजादी का हिस्सा पाकर अचानक हो गया था शांत मन। उसी दिन दादी के साथ महानदी के घाट पर गई थी, हंसते खेलते नदी किनारे नंगे पैर खड़ी थी। दादी को देख अंजुरी में मैंने भी पानी भरा था, नन्हे सूरज का प्रतिबिंब उस पानी में समाया था। हर बार अर्घ्य देने के बाद सूरज नदी में समा जाता था, लुका छिपी में जीतने के लिए मन मेरा भी भारी तड़पा था। झट से अंजुरी भर मैंने सारा पानी पी लिया, तब से लेकर अब तक सूरज बादल जी लिया। सुनती रही आप पीती नदी सूरज बादल की, खुश न थे तीनों देख रीति ये मनुष्यता की। सुनकर नदी की प्रदूषण व्यथा मैं हैरान हो गई थी, हर सांस सूरज, हर बूंद बादल आंसू के बनकर बह गई थी। हम चारों साथ जाते थे पर कैमरा नहीं था पास में, ना ही उछला था मन कभी सेल्फी लेने की आस में। दोस्तों, मुझे नदी से प्यार था, नदी को माँ से,
माँ की तो अंदर ही नदी बहती थी, स्वतः प्रवाहिनी, निम्नगी, श्रवंती, सरिता के तटिनी, रदिनी, निर्झरिणी, कल्लोलिनी रूप को जी भोर महसूसती थी। माँ का असमय जाने के बाद एक दिन सिसक सिसक कर आहें भरकर फूल आई थी ऋषिकुल्या नदी। श्रावण के रथ पर सवार गुस्से में आई थी वह नदी, खेत खलिहान धन जीवन को बर्बाद कर ली थी नदी। था मृत्यु लहर सम, भीषण वर्षा और अंधकार, पवन उनचास संवेग, ना कोई बांध ना प्रतिकार। फसल बहा ले गई, किसान की आशा मुरझा गई, दीर्घ प्रतीक्षा का जवाब दे गई, दिल को यूं ही तोड़ गई। मिट्टी, पानी, हवा, आलोक, अंधकार, ओह विराट स्वीकारोक्ति जन्म मरण का यह संसार। दुख के किनारे बैठ कब से सुनती आई थी वह आवाज, सीमा संकुचित इलाका और अकेली ही करती आई उड़ने का आगाज, वे भी नदी के ऊपर। उस रूप को समाकर ले आई अपने ही साथ, दबा दिया दिल में और कहा माँ कसम छोड़ उस विनाश का हाथ। सालों बाद फिर से उफन कर बरस पड़ी थी प्रीतिमय स्वर लिए, प्रेम प्रीत की लहरों सी सदियों के सुर की झंकार लिए। देखा उससे जी भर, कहा उससे यूं चॉकलेट की तरह किनारों को खुलती खाती चली जा रही हो, अमलतास, नारियल, पेड़ पौधे, वो बगुले झुंड को जीवन देती जा रही हो। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। धार धार पर आज तेरे खुश हैं किसान, तेरे लिए पेड़ पौधे पंछी प्राणी सब समान। जीने के लिए क्या कुछ नहीं दिए जा रही हो, चुपचाप प्रदूषण से लड़ती जीती आ रही हो। मित्रों, मैं नदी बन गई थी या नदी मुझ में समा गई थी ये तो पता नहीं, पर हाँ मन रससिक्त था जब मैं ब्रह्मपुत्र के किनारे पहुंची थी। 2 साल वहीं बिताया था। जब भी किनारे पर पहुंचती थी तो किनारे की तरफ नजर घूम जाती थी। अमलतास के पेड़, कपोल फूल, प्रियतम का ढोल, पिंपा की बोल, बिहू नृत्य करती, प्रेम का इजहार करती बालाएं, और फिर अपनी सी मोहक जलधाराएं। सीने में लहराता वैशाख गुलाल बनकर बिखरता, खुशी के अक्षर आसमान पर उभरता। उसके किनारे कांस वन की लहरों से थपकी खाती कोई कविता, कांपता हुआ कोई राग, फैलता हुआ कोई जल क्षेत्र, कलेजे में मीठी सी अनुभूति, मोतियों सी बारिश में भीगती, सूरज की लालिमा बरसाती बूंदों को ले आई थी अंजुरी भर। आज भी जब कभी सपने में आती है तो समझा जाती है कि किस कदर आज भी धो सकती है दुनियादारी की खरोंचे, अन्याय के आघात, संवेदनहीन लोगों का आक्षेप, आज भी वो रोक सकती है रुलाई, सूरज को जीकर, बादल को पीकर, मैं सपनों का पीछा करती रही अपनी ही धुन में, बेचैन जलधारा की तरह। सच कहूं मित्रों, आज भी नदी मुझे लोरियां सुनाती है मां बनकर, कभी कभी किसानों की पसीने की गाथा सुनाती है, मछुआरों की प्रेम बिछुओं की कथा सुनाती है, जीवन की ऊर्जा देती है, तो कभी आवेग से तो कभी कांपती हुई, लेकिन साथ जरूर देती है। मित्रों, वेदों में लिखा है गंगा का गुणगान, कट जाते हैं पाप सब कर गंगा स्नान, है ना? नदियों की बात हो और मैं गंगा किनारे न जाऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। जल धाराएं बातें करने लगी थी, प्रकृति संदूक खोल रही थी, किससे पुराने बाहर आ गए थे, मनुष्य प्रकृति का संघर्ष कहानी दोहराए जा रहे थे। धोती रह गई थी कुछ नारी यंत्रणा को, नारी होकर पैदा होने की अभिशाप को। पहाड़ों की संगत यहां धुंधली पड़ गई थी, रात में कुछ लाशें
तैर गई थी। विनाश उसकी काया, अजीब उसकी माया, स्वप्न अभिलाषा धर्म संस्कृति का सहचर, फिर भी तटस्थ ही उसकी नजर। पूछा मन से, क्या हुआ तुम्हें? कहने लगी, अपना दर्द सुनाने लगी और मैं हमदर्द बनकर सुनने लगी। नदी उतर गई थी मेरे अंदर, पर्वत खेत घाटियों के पेट से रेत मिट्टी के साथ शांत चुपचाप, कल कल गरजती हहराती, कभी मैं उस पर फैल जाती बूंदों की तरह, मेरा रोम रोम भीग जाता, लरसता बरसता, तो कभी दूर जाकर मैं सूख जाती उसके गर्भ में, निस्तेज निर्विकार बांध की तरह घुट घुट कर। पेड़ों को जब मैंने कटते देखा, कूड़ा कचरा बहते हुए देखा, किनारों को कटते हुए देखा, वे किनारे जिनसे हैं मेले और संस्कार, आरती और आराधना का पूजा कर। शंखनाद ध्वनि की साज पर गाती रहेगी सदियां, कंबल ओढ़ती दादी सुनाती रहेगी सदियों कई कहानियां। रोक मत देना इस प्रवाह को, संघर्ष फिर सृजन हेतु मांगेगा कुछ घाव को, फिर बरसों तक इतिहास ढोते रहेगा दर्द भरी आवाज को। उस दिन मैं लौट आई थी चुपचाप, जलधारा को अनुसरण करती जनधारा का अंग बनकर, अंतरंगी मित्र के साथ गई थी सांगली जिले की कोयना नदी किनारे। वसंत का संदेश लिए, सूरजमुखी और पीली सरसों के फूल लिए, सह्याद्री की पर्वतमालाएं रहस्यमय शाम को ओढ़, स्याह जलधाराएं मेरे संग गाती बहती जाती, ये जलधाराएं अविरल बहती आगे बढ़ती, मिल जाने को मिट जाने को आतुर, बढ़ती आबादी विकसित आंधी, ढूंढ रहे थे नई वादी, मैदानों में आकर मानो सेवा का संकल्प लिया, बांध बंध जाने के बाद भी मानव का उपकार किया। नदी को बोलने दो, शब्द स्वरों को खोलने दो, उसकी नीरव निस्तब्धता खतरे का संकेत है, गर नदी हुई समाप्त तो बचना सिर्फ रेत है, जो नीर नहीं सींचती उसे नहरों में तब्दील न करो, अपने दुष्कर्मों से उसे और भयभीत न करो। चट्टानों से लड़ लड़ कर बहती जाती नदी, शहर अमीर हो रहे हैं गरीब हो रही है नदी, बहती नदी जीवन का प्रमाण है, राष्ट्र गौरव है, जीवंतता की पहचान है, नदियों को बोलने दो, अटखेलियां करती हुई बहने दो, वरना मेरी तरह डबडबाए नैनों से ताक कर बादल को रुलाएगी, प्यार के मीठे दो बोल सुनने के लिए बादल को उकसाएगी, उसकी गुहार तुम सुन लेना, उसका विषाद क्रोध प्रेम प्रसन्नता गुमसुम आवेद, कांपती हुई भावों को समझ लेना, हाथ पकड़कर साथ तामे सुरक्षित सागर तक छोड़ आना, सफर का अंत तो है पर जीवन के आरंभ का संकेत भी। इसी अनुभूति के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ, नद्याभिव्यक्ति के प्रवाह को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।